तुळजाभवानी माध्यमिक विद्यालय संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर में चल रही वीडियो क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम दसवीं कक्षा की चौथी कविता जो है मन, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले जो हमारा पाठ्यक्रम हमने पूरा किया है, जिन पाठों को हमने पूरा किया है, जैसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि इस साल में 2020-21 साल में जो पाठ्यक्रम है हमारा, तो 25% पाठ्यक्रम कम किया गया है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपके पास अगर किताबें हैं तो किताबों में आपको इन पाठों के नाम लिखने हैं जो पाठ इस पाठ्यक्रम से कम किए गए हैं। तो पाठ पहला भारत महिमा जो हमने देखा है, उसके बाद जो लक्ष्मी पाठ है, उस इस पाठ को पूरी तरह से यहाँ पर कम किया गया है। जैसे अगला पाठ है पांचवा पाठ गोवा, जैसे मैंने देखा इस पाठ को भी कम किया गया है। उसके बाद खुला आकाश और 11 नंबर का जो पाठ है कृषक गान, तो इन पाठों को हमारे पाठ्यक्रम में से यहाँ पर कम किया गया है। पहली इकाई में जो है, फिर से एक बार देखिए, पहली इकाई में जो कम किए गए पाठ हैं उनके नाम है लक्ष्मी, पांचवा पाठ गोवा जैसे मैंने देखा, खुला आकाश ये पूरक पठन है, और उसके बाद कृषक गान। पहली इकाई में कुल 4 पाठों को कम किया गया है। इस पाठ को आप पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ये पाठ आपके लिए स्वयं अध्ययन के लिए रखे गए हैं। आप स्वयं अध्ययन सेल्फ स्टडी इन पाठ पर कर सकते हैं। इन पाठों से यहाँ पर संबंधित प्रश्न आपको मूल्यमापन में नहीं आएंगे। इन पाठों से संबंधित जो भी प्रश्न है, व्याकरण के प्रश्न आपको आ सकते हैं, लेकिन इन पाठों से संबंधित जो कुछ प्रश्न होते हैं, कृतियां होती हैं, आपको मूल्यमापन में नहीं आएंगे। तो ये हो गए पहली इकाई। दूसरी इकाई में देखो जिन पाठों को कम किया गया है। पहला है श्रम साधना, 3 नंबर का ये जो पाठ है श्रम साधना, यह वैचारिक निबंध है, इसे कम किया गया है। इसके बाद अपनी गंध नहीं बेचूंगा, इसे भी यहाँ पर कम किया गया है। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, आप इसे नोट करके रखिएगा ताकि आपको जो पाठ्यक्रम है या पढ़ते समय आपको आसान हो जाएगा। तो आज हम लक्ष्मी मन यह कविता देखेंगे। यह कविता रचनाकार इसके हैं विकास परिहार। इस कविता को यह पूरक पठन है, इस एक कविता का जो प्रकार है यह, इसे हम हाइकू कहते हैं। हाइकू, हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य पद्धति है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता है। मन इस कविता के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, जिसके रचनाकार है विकास परिहार, और इसकी विधा जो आपको पूछी जाती है, अगर आपको इसके बारे में पता लगाना है तो ये इसकी विधा जो है, इसे हम हाइकू कहते हैं। हाइकू आपने नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन इसकी हम जानकारी आपको देंगे। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है, काव्य की पद्धति है, और यह हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है, मानी जाती है। 5वें दशक में हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। 5वें दशक में इस हाइकू पद्धति को, कविता की विधा को खुले मन से स्वीकार किया गया है। तो ये क्या होता है हाइकू? कहा गया है कि ये सबसे छोटी कविता मानी जाती है। यह
सबसे विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। देखो कि आप भी अगर इसे पढ़ेंगे, इसे देखेंगे, तो जान लेंगे कि सच में यह कविता बहुत ही छोटी है। तो छोटे मतलब इसका अर्थ क्या है? इसके जो वर्ण के ढांचे यहाँ पर दिए हैं, वर्ण की रचना यहाँ पर दी है, ये भी यहाँ पर गिनकर दी है। किस प्रकार? तो हाइकु की रचना कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, इसके वर्ण की रचना किस प्रकार की होती है, यहाँ पर देखिए। पांच अधिक सात अधिक पांच कुल है सत्रह। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर जो अंक दिए हैं ये हाइकु के वर्ण के वर्ण का जो ढांचा यहाँ पर बताया गया है। क्या कहा गया है कि पांच अधिक सात अधिक पांच कुल बराबर है सत्रह। तो आप अपनी कविता की ओर देखो, अब वर्ण को गिनना है, वर्ण जानते हैं तो गिनो वर्ण के, वर्ण को गिनो। पहली पंक्ति में कितने वर्ण है देखो, घना अंधेरा। देखो यहाँ पर हाइकु की विशेषता बताई है कि सब विश्व की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। यह जापान की लोकप्रिय कविता है। कविता जिस प्रकार की यह विधा है, तो इसकी रचना जो है वर्ण के, कौन से वर्ण के ढांचे में यह कविता लिखी जाती है, इसलिए बहुत छोटी होती है। कुल सत्रह वर्ण कहा गए हैं, कुल सत्रह वर्ण। वर्ण यानी जैसे कि हम अक्षर कहते हैं, यहाँ पर पांच अधिक सात अधिक पांच बराबर है सत्रह, कुल मिलाकर हो गए सत्रह। तो देखो अपनी कविता को पढ़ो कि पहला जैसे इसकी पहला ये जो कविता का परिचय है यहाँ पर घना घना अंधेरा अंधेरा है ना, घना अंधेरा चमकता प्रकाश चमकता प्रकाश और अधिक चलो अब इस वर्ण को हमें अभी गिनना है। क्या कहा गया है? पांच। पहले पंक्ति में वर्ण कितने होंगे? पांच। देखो एक दो तीन चार और ये हो गए पांच। दूसरे पंक्ति में देखो वर्ण कितने हैं? सात। चलो गिनो एक दो तीन चार पांच छह और ये सात। आगे पांच एक दो तीन चार पांच, ये हो गए पांच अधिक सात अधिक पांच कुल हो गए सत्रह। चलो आगे भी आप गिनो, अभी करते जाओ पाने की मत सोचो, जीवन सारा करते जाओ। पांच है पाने की मत सोचो, सात है जीवन सारा, पांच है पांच सात पांच पांच सात पांच, ऐसे वर्ण का यहाँ पर ढांचा बताया गया है। समझ गए आप? इसे कहते हैं हाइकु विधा। कविता की कौन सी विधा है? हाइकु विधा है, पद प्रकार जिसे हम कहते हैं। तो मन इस पूरक पठन के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इससे पहले हमने इसकी जानकारी ले ली है कि इसे हाइकु कहते हैं, यह जापान की सबसे लोकप्रिय विधा है, विश्व की सबसे छोटी कविता इसे कही जाती है। किसी ने छोटी कहा जाता है जैसे कि इसके वर्ण का जो ढांचा है बहुत कम वर्ण है ना, यहाँ पर शब्द नहीं कहा गया वर्ण कहा गया है, तो वर्ण है पांच सात पांच कुल हो गए सत्रह। तो कविता के बारे में हम जानकारी लेने से पहले फिर से बात आती है जो कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर मैंने बताए हैं। तो मंझधार का अर्थ है नदी या उसके प्रवाह का मध्य भाग, जैसे नाव होती है ना, पानी में नाव होती है, तो पानी के जैसे नदी में
जो मध्य भाग पर वो नाव आकर खड़ी होती है उस मध्य भाग को मंझधार कहा जाता है। इसके आगे कुंठा, कुंठा का अर्थ है घोर निराशा। अगला शब्द है विषाद, विषाद का अर्थ है अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद, खेद का अर्थ क्या है दुख। आगे ओट का अर्थ है आर, और अगला शब्द है जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ यहाँ पर बताया गया है जीने की इच्छा। तो इस पाठ कविता को आपको एक बार पढ़ना है, मैं आशा करती हूँ कि आपको एक ही बार में यह कविता याद होती है या याद रहेगी। आपको इसे याद करना है, इसे मन लगाकर पढ़ना है। इस कविता के हर एक शब्द का अर्थ हम अगली कक्षा में आपको बताएंगे।